लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख हसदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ जैसी देश की प्रमुख खुफिया एजेंसियों में नियुक्तियों के मामले में मुसलमानों के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया। एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ शासन लगातार मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगता है, लेकिन वो उन्हें कभी भी समान साथी नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करते। ओवैसी ने कहा, दशकों में पहली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ नेतृत्व में कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं होगा। यह उस संदेह का प्रतिबिंब है जिसके साथ बीजेपी मुसलमानों को देखती है। आईबी और रॉ विशेष बहुसंख्यकवादी है और ये संस्थान बन गए हैं। आप लगातार मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें समान साथी नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करते। आपको बता दें कि ओवैसी ने जो रिपोर्ट साझा की है वो एक अखबार की है, जिसमें कहा गया है कि दशकों बाद आईबी में कोई वरिष्ठ मुस्लिम आईपीएस अधिकारी अहम पद पर नहीं होगा। आपको बता दें एआईएमआईएम चीफ ने ट्वीट करके केंद्र की मोदी सरकार पर इस मामले में हमला भी बोला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।